हे एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज श्रुति एंड यू आर वाचिंग हैंडी डेकोर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक फ्लोर लैम्प विद रैक, जो एक फ्लोर लैम्प का भी काम करता है और रैक का भी काम करता है। ट्यूटोरियल बहुत ही इजी है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये जो फ्लोर लैम्प मैंने बनाया है, ये बहुत ही बजट फ्रेंडली है। ये आइडिया मैंने अमेजोन से लिया है। अमेजोन पर इसका प्राइस काफ़ी हाई था, तो आई थॉट कि मैं ये खुद से बनाऊं। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप अगली वीडियो कोई मिस ना करें। सो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो इसके लिए ली है मैंने बिट, ये वुडन बिट है, ये आपको किसी भी लोकल हार्डवेयर शॉप पर मिल जाएगी। बिट की जो लेंथ है वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है स्क्रीन पर, और जो इसकी चौड़ाई है वो 3.5 सेंटीमीटर है। अब मैं यहाँ पर दो बड़ी बिट को जॉइंट करूँगी कुछ एल शेप में। यहाँ पर मैं फेविकॉल का यूज़ कर रही हूँ इसको और ज़्यादा मजबूती देने के लिए। बाद में मैं यहाँ पर नेल्स का भी यूज़ करूँगी। कुछ इस तरह से मैं इन दोनों को एल शेप में जोड़ रही हूँ। यहाँ पर मैं सबसे छोटे साइज की नेल यूज़ कर रही हूँ, ये आपको किसी भी लोकल हार्डवेयर शॉप पर मिल जाएगी। सो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर चार लेग्स तैयार की हैं। के बाद मैंने यहाँ पर दो लेग्स ली हैं, और अब मैं यहाँ पर लैडर स्ट्रक्चर बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर जो 12 इंच की जो बिट थी वो मैं यहाँ पर उसको रखते जा रही हूँ। सो कुछ इस तरीके का लैडर स्ट्रक्चर बनके तैयार होगा, जो इनके बीच का गैप है वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पर मैं फेविकॉल का यूज़ कर यहाँ पर इसको जॉइंट करते जा रही हूँ। इसको और मजबूती देने के लिए मैं यहाँ पर फिर से नेल्स का यूज़ कर रही हूँ। इन नेल्स को आप प्लीज़ बहुत केयरफुली लगाइएगा। सो यहाँ पर मेरा एक पार्ट तैयार हो चुका है। सेम इसी तरीके से हम इसका दूसरा पार्ट भी तैयार करेंगे। अब जो हमने 11 इंच वाली बिट को कट किया था उसका यूज़ करते हुए अब हम इनको आपस में जॉइंट कर लेंगे। सेम पहले की तरह ही यहाँ पर पहले मैं फेविकॉल का यूज़ करूँगी, आफ्टर दैट आई एम यूजिंग नेल्स। अब दूसरी तरफ भी सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। अब हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर बनकर तैयार है। अब आ रही है रैक बनाने की। यहाँ पर मैं रैक बनाने के लिए
यूज़ कर रही हूँ एक 6 mm का प्लाईवुड, जिसकी लंबाई और चौड़ाई है वो 12x12 inch है। सबसे ऊपर वाली रैक के लिए मैंने यहाँ पर प्लाईवुड में छोटा सा होल किया है, जिससे मैं अपना जो मैं बल्ब लगाऊंगी उसका जो वायर है मैं वहाँ से उसको आराम से निकाल सकती हूँ। यहाँ पर मैंने लिए वुडन पॉलिश, मैं इसको वुड पे पूरे अच्छे से पॉलिश कर दूंगी। आप चाहें इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर अपनी पसंदीदा कोई भी इसके ऊपर पेंट कर सकते हैं। जस्ट मैंने यहाँ पर एक कपड़ा लिया है और उसकी हेल्प से मैंने इसको पूरे पे अप्लाई कर दिया है। जो हमारा ये रैक का जो ऊपर वाला पोर्शन है, यहाँ पर ये लैम्प शेड बनने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पर ये मेरे पास प्रिंटेड क्लोथ था, उस क्लोथ के ऊपर मैंने जस्ट फेविकॉल अप्लाई किया है और उस क्लोथ को मैं इसके चारों तरफ अच्छे से पेस्ट कर रही हूँ। फाइनली हम लोग का जो फ्लोर लैम्प है ये कंप्लीट हो चुका है। नाउ इट्स टाइम टू डेकोरेट इट। तो कैसा लगा आप लोग को ये आइडिया, कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।